Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं बनाने वाली फुल ब्लॉग, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी। वैसे भी यार इतने सारे कमेंट्स कि नहीं फुल ब्लॉग बनाओ, फुल ब्लॉग डाला करो, तो मैंने सोचा कि यार आज तो बना लेते हैं। कम से कम दो हफ्ते से ज्यादा हो गए मेरे चैनल पे कोई भी फुल ब्लॉग नहीं आया, तो आज क्योंकि मेरे घर में एक पार्टी है और आप मानोगे नहीं वो पार्टी किस चीज की है। कल 10th का रिजल्ट आया था, तो जय 10th में था और वो फाइनली पास हो चुका है 10th में। सारे जने इतने खुश है ना कि वो पास हो गया, उसने कोई टॉप नहीं करा है, बस पास हुआ है। इसी खुशी में भाई उसको इतने सारे गिफ्ट भी मिले, सबसे पैसे मिले, और इसी खुशी में हमने पार्टी भी रखी है कि जय पास हो गया, वरना सबको बहुत डर था, वो केवल एग्जाम वाले दिन पढ़ता था, बट अब जब वो पास हो गया तो सारे ही जने बहुत ज्यादा खुश है। खुशी में उन सबने जय को इनाम भी दिया है। पवन सोम्मा ने, सुमित भाई ने, उमा बुआ ने, हंसी बुआ ने, हेमूदी ने, अंजलि ने, मम्मी ने उसका 1000 रुपए का केराटिन मंगाया, मैंने 1000 रुपए उसको जिम की फीस दी, भाई सब लोगों ने उसको, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो उसके पास कितने पैसे हो गए। तो भाई उसकी तो जिंदगी बड़ी सही चल रही है अभी। मैंने कहा जय तेरे तो मजे, तूने तो उसे पास किया है तब जाके तुझे ये इतना कुछ तेले हो रहा है कि तुझे इनाम मिल रहे हैं, तेले पार्टी हो रही है। और जब तू टॉप करता फिर तो पता नहीं, फिर तो ऐसा लगा था हमने टेंट लगवा ही लेना था गली में। ठीक है, तो हमारा घर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, बकवास बाद में करेंगे, पहले चलिए काम कर लेते हैं। मम्मी आएंगी तो बाद में आएंगी, दिन का खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत किचन साफ कर लेते हैं, किचन बहुत गंदी हो रखी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ किचन साफ करने से, क्योंकि किचन ही हमारे सबसे फ्रंट में है और यही सबसे गंदी लगेगी, कुछ नहीं हो सकता, और मुझे अभी इसी में काम करना है। फटाफट से मेरा शाम की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि फिर शाम को टाइम नहीं हो पाता। 3:30 बजे अंजलि के ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं और आजकल मैं उसके बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। पीछे को हाथ पूरा ढंग से पहुंचता नहीं है ना। हाँ जय का ये बॉक्स मिल गया, आपको दिखाती है इसमें। हाँ इधर आओ, ये जय का डब्बा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ सिक्के भी। भाई इस टाइम पे जय तो सबसे सही माला माल हो रखा है। मैंने बोला सही है यार, जितने तो अभी मेरे पास नहीं है जितने तेरे पास है। फाइनली हमारी किचन साफ हो गई है, पूरा मुझे 1 घंटा लगा इसको साफ करने में, बट अब मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया है, सारे बर्तन भी धो दिए हैं, अब मुझे बनाना है दिन का खाना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, मैं अपने स्किन पे क्या लगाती हूँ। तो यार वैसे तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और जब से मैं देहरादून से आई ना मेरी स्किन इतनी ज्यादा डल हो गई है, और मेरे फेस पे ना एक्ने प्रॉब्लम भी होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है और वहाँ के पानी में और धूप में बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ से। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और आजकल मेरा जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, एक तो शादियों की वजह से, ऊपर से हम स्कूल खोल रहे, तो इतना ज्यादा भागम दौड़ी हो रही है कि मैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रही हूँ। फिर मेरी फैन ने मुझे एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताया, क्योर स्किन। जब मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया, जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, स्किन से रिलेटेड, मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेरी हेल्थ से रिलेटेड। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करती गई। उसके बाद फिर जब मेरा फेस स्कैन हुआ, इसके AI सिस्टम ने मेरे फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ बता दिया। उसके बाद इसमें जो स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने मुझे कंसल्टेशन दिया कि कैसे मैं अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकती हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे ये सब काम हुआ है बिल्कुल फ्री में। बस मेरे 1500 रुपीज लगे हैं, और उस 1500 में भी मुझे सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू एक कस्टमाइज स्किन केयर किट मिली है। इसके अंदर मुझे 4 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। पहला है ये जेंटल क्लेंस फेस वॉश, जिसको मैं सुबह मॉर्निंग में यूज करती हूँ, ये मेरी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। फिर हमें रिसीव हुआ है मिनरल सनस्क्रीन जेल, इसको मैं यूज करती हूँ जब भी मुझे धूप में कहीं बाहर जाना हो, तब ये मेरी स्किन को सन से निकलने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। फिर हमें मिला है हाइड्रेशन जेल, जो कि हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। लास्ट हमारे पास है मल्टी एक्टिव करेक्टर, जो कि डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। स्किन ऐप में आपको डॉक्टर का फ्री कंसल्टेशन तो मिलता ही है, साथ ही में डाइट प्लान, वाटर इनटेक, लाइफस्टाइल चेंजेस और डॉक्टर का मंथली फॉलोअप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और कन्वीनियंट लगी, टाइम सेविंग लगी। आप चाहो तो आप भी इसको यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला है। और अगर आप इसको बाय करते हो तो नेहा100 का आपको कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा, बट आपको इसको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए ही ऑफर वैलिड है। चलो फिर अब मैं दिन का खाना बनाती हूँ। तो ये रहा मेरा दिन का खाना, ये मेरी बनाई हुई दाल, अम्मा का बनाया हुआ तोरी का कप और भात। अंजलि भी आ गई है, इसको भी मैंने खाना डाल के दे दिया है वहाँ पे। हमारे अभी जस्ट 400K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, तो अब शाम को एक पार्टी थी जय के पास होने की, अब 2 पार्टियां हो गई है, एक तो 400K की और दूसरा जय के पास होने की। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। खाना खा लेती हूँ, शाम को बोलूँगी जो बोलना है, ठीक है।
तो अंजलि के ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं, मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, अंजलि पढ़ाती है बड़े बच्चों को। मैंने यहाँ से दरी भी उठा ली है, मैं बस थोड़ा सा झाड़ू मार रही थी। और ना यार, हाँ, हमारा जितना भी जो प्लान था ना वो सारा कुछ कैंसिल हो गया कि आप जय के बर्थडे की, जय के पास होने की पार्टी जो थी वो हो गई है पोस्टपोन। हम उसको करने वाले सैटरडे इसलिए क्योंकि ना आने भी आ जाएगी, जीजू ने मना कर दिया, जीजू कहते हैं मेरी ना जिम छूट जाएगी। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं यार, कोई तो है जो जिम के लिए इतना डेडिकेटेड है तो हम क्यों किसी की जिम छुड़वाए। तो अब जीजू आएंगे सैटरडे तो हम पार्टी करेंगे सैटरडे, तो ताकि सैटरडे नाइट हम देर तक पार्टी करें और संडे फिर आराम से सुबह सो के उठे। इसलिए आज का जो हमारा प्लान है वो कैंसिल हो गया है। और जब अभी प्लान कैंसिल हो ही गया है तो आज वैसे वेडनेसडे है, तो हम सोच रहे हैं मैं और अंजलि वेडनेसडे मार्केट चले जाते हैं। वहां से हमें कुछ काम भी है, मतलब कुछ एक्सचेंज भी करवाना है और कुछ एक दो चीजें हैं जो घर के लिए मुझे लेकर आनी है, तो मैं सोच रही हूँ वही ले आती हूँ। देखो अंजलि के बच्चे इतना कूड़ा करके चले जाते हैं, रबड़ का, मैं बस थोड़ा झाड़ू लगा रही थी। और ये प्लान हमारा अभी 4 बजे के आसपास कैंसिल हुआ था कि हम वो प्लान क्या करते हैं सैटरडे कर लेते हैं, ताकि जितने ज्यादा जने होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा ना, और किच्ची होगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी बस मैं बड़ा शॉर्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे मार्केट। फाइल है आराम से निकाल, बुक्स है उसमें, बुक्स है। ये देखो ये मोहित है, देख लो मैं तो कितनी पतली सी प्यारी सी लग रही हूँ। ये मोहित के एक दिन बर्थडे में थी, मैं ऐसी बनी हुई थी, बुआ मुझे ले गई। ये हेमुदी के लिए प्रिंटर है, वो स्कूल खोल रहे तो हमने कहा चलो प्रिंटर दे देंगे। ये मेरे स्कूल की फोटो है, पता कौन हूँ, अभी कहीं सेकंड क्लास की होगी, चोर ये रही। हाँ ये ही है। चल रख दे इसको वापस ऊपर, रख दे। कौन है? मोहित है ये। कम बदतमीजी कर लेगा, सुबह मैंने बंदों को तेरे पैसे भी दिखाए हैं कि जय ने कितनी कमाई करी है, पास होके इतनी कमाई करी। ये कहाँ से मिला? सुनू मैंने भी दी है, हैं? हैं? ओ भाई साहब, जय को 3-3 बुआओं से 500 के नोट। जय सोच रहा है काश मेरी इस टाइम पे 2-4 बुआ और होते। अब इसके पास कोई काम नहीं है, बस जब देखो पैसे गिनता रहता है। अब जब भी इससे लड़ाई रहेगी सबसे पहले ये डब्बा चुराना है और कुछ नहीं करना है। अली ये कौन सा टाइम है? शाम के 6 बजे ब्रश कर रही है तू? छी, सुबह कर लिया सुबह। अच्छा तू तो इतनी अच्छी नहीं है, 2-2, 3-3 टाइम ब्रश करे। अंजलि वही तो, अंजलि वो भी छी। आप देख लो किचन कितनी साफ करी है मैंने मम्मी। पूरा साफ करा मैंने, जूने से वो रगड़ा पूरा, यहाँ पूरा, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या भर रखा था आप लोगों ने। मम्मी ऐसे ही है, ऐसे था ये, मैं पूरा बिफोर आफ्टर बनाया है, आप व्लॉग में देख लेना मैंने कितनी सफाई करी है। बिफोर आफ्टर क्या, मैं तो रोज करती हूँ, तेरी पीपी करेगी, रुक जा। कितना खुश हो जाता है बीवी का नाम सुन के। वो कुछ नहीं करेगी। ओहो क्यों, तू करेगा? वो कमाएगी तो खाएगा। हाँ ताने ने अपनी वॉशिंग मशीन में छेद कर दिया। जीजू की ना पैंट वो रखी थी, पैंट में चाबी रखी थी, डाल दी उसने, छेद हो गया इतना बड़ा। वो प्लास्टिक की होती है ना मशीन, तो उसने पैंट चेक नहीं करा होगा, उसमें बाइक की चाबी थी, उसने सारे कपड़ों के साथ डाल दिया, मशीन में भड़बड़ भड़बड़ की आवाज आई होगी, उसने सुना नहीं, उसने नोटिस नहीं किया होगा, पूरी फट गई वो। अब वो मशीन किसी काम की नहीं रही। अच्छा इतना अच्छा काम कर रही थी मैं, मेरी पूरी मशीन खराब हो गई। मतलब तानने ने अभी तो कुछ 6-7 महीनों में वो मशीन खोली होगी ना, 6-7 महीने ही होंगे, साल भर भी नहीं हुआ होगा उसको, अभी मशीन खोली थी और फोड़ी थी। एक तो मुझे इतनी हंसी आ रही है, मेरे से वीडियो नहीं बनाने जा रही, ऊपर से उसको देखो वहां से झांकती हुई मुझे देखे जा रही है, मैं कह रही हूँ या तो यहीं आ जा तो अंदर चली जा। मेरे से नहीं बनती यार फिर ऐसी वीडियो। बस आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, अब मैं और अंजलि जा रहे हैं बुद्ध बाजार, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, एक चीज एक्सचेंज करानी है, और आज हमारे चैनल पे 400K सब्सक्राइबर्स भी पूरे होते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इसकी पार्टी भी हम करेंगे सैटरडे को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू इस प्यार के लिए, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय। तो चुप रहे यार।
मेरा जो दूसरा प्लान था बुद्ध बाजार जाने का वो भी कैंसिल हो गया और फाइनली अब हम आ गए हैं हेमू दी के स्कूल में। मतलब मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ जो मैं इंट्रो में बोलती हूँ कि आज ये होने वाला है वो तो भाई कभी नहीं होता। अब मैं बुद्ध बाजार जा रही थी ब्लॉग एंड करके, बट अब फिर प्लान चेंज हो गया और हम पन्नी पुन्नी लेके हेमू दी के स्कूल में आ गए। अच्छा इस पे पेंट करना है ना? हाँ इस पे तो हम ही पेंट कर देंगे। नहीं चार्ट पेपर का आइडिया ज्यादा अच्छा है, ये सही है, जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी हो जाएगा। हाय हाँ जी, क्या क्वायरी है आपकी? आया के लिए 500 रुपए सैलरी है, बच्चों के गू मूत्र सब साफ करना पड़ेगा। आप तो बहुत सुंदर हो, आपको तो कुछ भी देंगे हम। फिर आपने भी एक पार्टीशन अच्छा पर्दे से करोगे? अभी ये पूरा भी हुआ नहीं है, होगा तो आपको फाइनल लुक दिख जाएगा। यहाँ की वाइस प्रिंसिपल ने हम बस और ये आया मैं कामों को रखा है, एक में से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, एक में से स्कूल पढ़ाएगी।